लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नास्त्रीदमस की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी है, जिसमें दो विश्व युद्ध, नेपोलियन का उदय, नाजी तानाशाह हिटलर का वजूद शामिल है। नेपोलियन और हिटलर को नास्त्रीदमस ने ईश्वरी विरोध कहा था। अब कोरोना वायरस के कहर के बाद ब्रिटेन में से लेकर चर्चा चालू होने लगी है कि नास्त्रीदमस ने इसके बारे में आगाह किया था। ब्रिटेन की मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक नास्त्रीदमस पर भरोसा करने वाले लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। इसे लेकर वहां के लोग ही सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर रहे हैं। लोग नास्त्रीदमस के कथन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि एक ऐसे शहर में प्लेग फैलेगा जो समुन्दर के किनारे बसा होगा। सबसे पहले चीन के वुहान शहर से निकला था, लेकिन वे समुद्री शहर नहीं है। लेकिन अब को इटली शहर पर कोरोना का प्रभाव शुरू हुआ है, तो लोग उसे नास्त्रीदमस की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हर बड़ी त्रासदी के बाद लोग नास्त्रीदमस की भविष्यवाणी याद करना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि नास्त्रीदमस की भविष्यवाणी प्लेग शब्द का जिक्र किया था। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है जिसने दुनिया में अब तक लाखों लोगों की जान ली है, और इसकी जबरदस्त असर की वजह से लोग प्लेग को कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। नास्त्रीदमस ने साल 2020 के बारे में यह भी कहा है कि यह दुनिया के लिए आर्थिक वाला साल हो सकता है। हालांकि इसकी भविष्यवाणी से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के तकरीबन सभी बड़े देशों की आर्थिक हालत काफी मुश्किलों से भरे हैं। नास्त्रीदमस ने यह भी कहा है कि आर्थिक मामलों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जैसे हालात बन सकते हैं।